Hey everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है. मार्क कर लेना, एक एक पॉइंट जरूर लिख लेना, बिकॉज ये आपको इस साल जरूर हेल्प करने वाला है. ऑल दो आप लोगों ने टॉपिक पहले ही देख लिया है, बिकॉज हमने बैनर पे शो किया है, हेडिंग्स डाली है, तो टॉपिक बिल्कुल सही है. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स चेंजेस जो इस साल एप्लीकेबल है और आपको ध्यान रखने हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बहुत रीसेंट और न्यू चेंजेस है. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का. सबसे पहला पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने होम लोन लिया और उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और साथ में आप उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स में, तो उसको जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो कॉस्ट इंप्रूवमेंट का पार्ट नहीं बना सकते. मैंने इसके लिए ऑलरेडी पहले शॉर्ट बनाया था, जहाँ पर मैंने क्वेरी भी पूछी थी कि अगर कोई भी इंसान होम लोन लेता है और उसके इंटरेस्ट को यूज़ नहीं कर पाता है तो क्या वो उसको बेचने के टाइम पर उसको यूज़ कर सकता है. वेल, उस टाइम पे वो कर सकता है, बिकॉज उसने इंटरेस्ट आईटीआर के टाइम पर नहीं यूज़ किया था, अपने इनकम टैक्सेस के टाइम पर उसका बेनिफिट नहीं लिया था. तो यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपको इंटरेस्टिंग भी लगे, कैपिटल गेन डिडक्शन बेनिफिट अंडर सेक्शन 54 एंड अंडर सेक्शन 54F पे कैपिंग हो गई है, और वो कैपिंग है 10 CR, 10 करोड़ की. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन रेमिटेंसेस, जिसके ऊपर TCS जो कि पहले 5% था, अब से 20% हो चुका है. इसने ऑलरेडी बहुत न्यूज में कवर किया है खुद को, अपने सेक्शन को, सो आई थिंक ये आप सबको पता भी होगा. अगर आप एक नॉन गवर्नमेंट सैलरीड एम्प्लॉय है तो ये चेंज है आपके लिए, और मैं बोलूंगी बेनिफिट है आपके लिए. पहले लीव इनकैशमेंट का बेनिफिट 3 लाख तक मिलता था, जिसे अब बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीम्ड गिफ्ट. अगर कोई एनआर एक रेजिडेंट से 50,000 से ज़्यादा का कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है तो नो मैटर वॉट उसको इनकम का पार्ट बना दिया जाएगा. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस साल से जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे आप ध्यान देंगे कि न्यू टैक्स रिजीम ही डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बना हुआ होगा आईटीआर पोर्टल पे. तो इस चीज़ का बहुत ध्यान से काम करिएगा. अगर किसी क्लाइंट का ओल्ड टैक्स रिजीम है तो पहले उसको आपको अपने न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में चेंज करना पड़ेगा आईटीआर फाइल करते वक्त. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई रेजिडेंट इंटरेस्ट अर्न कर रहा है बाय द वे ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर, ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 193 के अंदर TDS डिडक्ट होना मैंडेटरी है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, TDS ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द लिस्टेड सिक्योरिटीज और द डिबेंचर्स टू अ रेजिडेंट. सो इट मीन्स अगर किसी भी रेजिडेंट को इंटरेस्ट पे हो रहा है ऑन द लिस्टेड डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज, तो TDS डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 193. आई होप इस वीडियो को आपने बहुत ध्यान से समझा होगा, बिकॉज ये रीसेंट चेंजेस है जो कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट जरूर करेंगे. एंड स्टिल अगर आपकी क्वेरी है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं. नंबर है 8375831676. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.